Hey, hi everyone. So, welcome to my Cakery Addiction. अब मैंने अपना OTG ले लिया है काफ़ी टाइम पहले. अराउंड मैंने 1 जनवरी को इसको लिया था. सो अब इसका टाइम आ गया है अनबॉक्सिंग करने का. मैंने इसको एक दो बार यूज़ करके देखा, बट मुझे ये प्रोडक्ट ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगा. तो मैंने सोचा कि मैं इसकी जब भी फाइनल वाली अनबॉक्सिंग करूँगा, जो मतलब अभी मेरे को इसको बॉक्स को फेंकना है, सो मैंने सोचा वो अपने चैनल पे डाल दूंगा मैं. और सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ थैंक यू वेरी मच. आपने मेरे को मेरी फिलिप्स के हैंड मिक्सर के ऊपर इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ दिए हैं और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं. सो आई विल मेक श्योर कि आपके जो कमेंट्स हैं, मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि अमित मुझे उसमें विपिंग क्रीम करके बताना, सो मैं आपको उससे क्रीम विप करके देखूंगा. फॉर नाउ हम इससे स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग. चलो लेट्स बिगिन. ये कुछ इस तरीके के बॉक्स में आया है, उसको हम हटा देंगे. बॉक्स पैकिंग बहुत अच्छी की है उन्होंने. सो इसके ऊपर नीचे दोनों साइड थर्माकोल के दी है. ये बहुत हैवी है, सो इसके लिए आपको 2 जनों की ज़रूरत पड़ सकती है. मैं बॉक्स हटा दूंगा. हियर इट इज. इसका कॉर्ड लेंथ काफ़ी अच्छा है वैसे. ये है हमारा फाइनल OTG का लुक. आप देख सकते हो इसको. मेक श्योर कि आपको ये दिख रहा है. सो देखिए, ये 40 लीटर्स का OTG ओवन टोस्टर और ग्रिलर. सो इसमें ऊपर की जो कॉइल है बहुत अच्छी है और नीचे की को 2 कॉइल हैं. ये उसका क्रम्ब ट्रे है, जो जिसको हम कहते हैं कि जो एक्स्ट्रा क्रम्स होते हैं ना जब तंदूर वंदूर कुछ करते हैं, तो वो इसमें निकल जाता है. और मुझे इसकी सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या लगी कि इसमें बल्ब है. इट हैज़ गॉट द बल्ब. सो आपका बजट अगर कम है सो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो. जी मुझे सिर्फ 4500 के अराउंड पड़ा है और उसकी कैपेसिटी काफ़ी बड़ी है. अब मैं बताता हूँ आपको इसके साथ मेरे को क्या क्या एक्सेसरीज मिली हैं. एक्सेसरीज एकदम नीचे हैं बॉक्स के. देखिए एकदम नीचे हैं बॉक्स के. ये इसके एक्सेसरी का पूरा पैकेट है, तो मैं इसको निकाल देता हूँ. इसमें इसके साथ ये यूज़र मैनुअल भी है. सो एक्सेसरीज की बात करें तो इसके साथ ये 2 फोक्स आए हैं रोटेसरी के लिए. ये रोटेसरी मैं बहुत कम यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि वी डोंट हैव होल चिकन एट आवर प्लेस. क्या ये है उसका रैक, देख सकते हैं आप इसको. मैं आपको इसको असेंबल लगा के दिखाऊंगा ओवन के अंदर. ये उसका रैक है पूरा और ये उसकी टोंग्स है और ये रोटेसरी का टोंग है. और ये है बहुत बड़ी कैपेसिटी का मेरा बेकिंग ट्रे, जिसमें मेरे अराउंड 4 से 5 केक्स तो आराम से बन जाएंगे छोटे वाले, और बहुत सारे कुकीज बन जाएंगे. मैंने रिसेंटली ब्रेड क्लास किया है, कुकीज़ क्लास किया है, सो इसमें बहुत इजीली बन जाएंगे मेरे कुकीज़ और ये सब. सो अब मैं आपको इसकी एक्सेसरीज की दूसरे पार्ट दिखाता हूँ. सो मैं आपको ये जो इसका आया है इसके साथ जो रैक है, ग्रिल रैक, मैं आपको उसको इंसर्ट करके दिखाता हूँ. ये देखिए, ये यहाँ पे लोअर लेवल है ये इसका. काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिनको हमको बहुत कम कुक करना होता है, जिन पे हमको कलर बहुत कम चाहिए रहता है. सो उसको हम ये लोअर लेवल पे रखते हैं. ये लोअर लेवल रखने के बाद जो हमारे केक्स होते हैं, मोस्टली केक्स आपके बेक होते हैं, ये सेंट्रल लेवल पे. ये आपका सेंट्रल लेवल. मोस्टली हर एक चीज़ केक्स पिज़्ज़ा और ब्रेड्स जो भी हैं सब इस लेवल पे बेक होते हैं, सेंट्रल लेवल जिसको कहा जाता है. और ये है एकदम अपर लेवल या हायर लेवल बोल सकते हैं, जिस भी चीज़ को आपको कलर देना है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारी खारी हो गई और खारी ब्रेड्स हो गई, और उसके बाद केक्स को कभी हमको डार्क कलर देना होता है, कुछ 5 से 10 मिनट के लिए आप इसको ऊपर के लेवल पे रख दोगे ना, अपर लेवल पे, एकदम ऊपर वाले रैक पे रख दोगे ना, तो उस पर बहुत अच्छा कलर आ जाएगा. सो सिमिलरली आपको ये जो उसका बेकिंग पैन था बड़ा वाला, आप ये भी किसी भी लेवल पे रख सकते हो. ये लोअर लेवल पे मैं फिलहाल रख रहा हूँ.
और अगर आप कुछ, ये मेरा पर्सनल ट्रिक है कि आपको अगर क्रम ट्रे अपना खराब मत करना ना, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको पूरा एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कीजिए। और हाँ, और एक चीज़, इस चीज़ को ना आप हमेशा लाइन करके यूज़ कीजिए, क्योंकि इस पर काफ़ी बार रस्ट लग जाता है। जैसे आप सबको पता होगा, मैंने मेरे पास IFB का माइक्रोवेव भी है, सो उसका मेरा बेकिंग पैन पूरा ख़राब हो चुका है जस्ट बिकॉज आई डिडंट यूज़ एनी लाइनिंग इन दैट। सो आपको इसको हमेशा लाइन करके रखना है, और क्रम ट्रे को भी हमेशा एल्यूमिनियम फॉइल से लाइन कीजिए, सो दैट आपका जो ड्रिपिंग गिरेगा वो एल्यूमिनियम फॉइल पे गिरेगा, एंड यू कैन डिस्कार्ड दैट आउट। ठीक है, सो ये तो हो गया इन सब के बारे में। रोटेसरी, जिनको रोटेसरी का यूज़ है उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। सो मैं रोटेसरी को ओपन करके आपको लगा के दिखाता हूँ कि रोटेसरी ओपन करके लगाना कैसे है। इसका फंक्शनिंग मैं पूरा एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ उसके लिए, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इसका फंक्शनिंग तो मैं डालने ही वाला था वैसे भी मेरे चैनल पे। ये इसका हुक है, रोटेसरी हुक, और इसको यहाँ पे डाला विद दिस नट। आपको इसको यहाँ पे टाइट कर देना है बस। सो आई एम नॉट गोना यूज दिस रोटेसरी थिंग, क्योंकि ये मेनली चिकन के पर्पस के लिए होता है, कि आपको होल चिकन खाना है उसके लिए होता है, और मेरे घर पे होल चिकन बहुत रेयरली, क्या रेयरली तो बोल भी नहीं सकते हैं, बनता ही नहीं है होल चिकन। यूजुअली हम मार्केट से ही लेके आते हैं कट करके। ठीक है, इस तरीके से ये टाइट हो जाने के बाद आप इसको यहाँ पे एक हुक यहाँ पे डाल सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सुराख है, उसके अंदर डालना है आपको, और यहाँ पे ये रोटेसरी आपका बंद हो जाएगा। सो आपको इसको फिर ऐसे बंद करके यूज़ करना है, जैसे भी आप यूज़ करें। और उसके बाद मैं आपको कंट्रोल पैनल्स दिखाता हूँ। इसके कंट्रोल पैनल्स में तीन पार्ट्स हैं, देखिए। ये टेम्परेचर का बटन है, टेम्परेचर मिनिमम 50 डिग्री से लेके 230 डिग्रीज का है, इसमें आप सेट कर सकते हैं। और इसके बाद है ये हीटिंग एलिमेंट्स फंक्शन, जिसको आप बोल सकते हो। सिर्फ अपर रॉड ऑन रखना है, सिर्फ लोअर रॉड, अपर लोअर दोनों रॉड ऑन। अपर लोअर के साथ आपको फ़ैन चाहिए, अपर रॉड, रोटेसरी और फैन। ये आपको होल चिकन या जब आप रोटेसरी फंक्शन यूज़ करोगे, मैंने काफ़ी वीडियोज देखे हैं जिसमें वो लोग भुट्टा भी बनाते हैं, सो भुट्टे को भी आप रोटेसरी से ट्राई कर सकते हो, मैंने नहीं किया है। और ये है इसका नॉब, जो कि एक्सटेंड हो सकता है 60 मिनट्स के लिए। सो मुझे ये कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव लगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे OTGs देखे जिसमें वो 90 मिनट्स तक जा सकता था। और ये ज़बरदस्ती कभी मत करना अपने नॉब के साथ, जब भी आप उसको टाइम सेट करो तो आप उसको खुद से बंद होने दो। और इसमें ऐसे एक बेल भी है। सो इसका जो डिटेल्ड वीडियो है, जिसको यूज़ कैसे करना है, वो बहुत जल्द मैं अपने चैनल पर अपलोड करके करने वाला हूँ। आपको अगर वो चाहिए कि मैं इसका फंक्शनिंग और माइक्रोवेव का फंक्शनिंग, इसको यूज़ कैसे करते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।